अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर अछलदा व फफूंद रेलवे स्टेशन पर फोर्स तैनात। औरैया, अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर औरैया जिले का पुलिस फोर्स सभी रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया है। किसी भी तरीके से कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए, जिसको लेकर अछलदा व फफूंद रेलवे स्टेशन पर फोर्स लगाया गया है। वही अछलदा रेलवे स्टेशन पर दो लड़कों को पुलिस द्वारा रोका गया। पूछताछ में लड़कों ने बताया, हम लोग शांत तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। वही पुलिस द्वारा लड़कों को समझाया गया है और उसके बाद पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। वहीं कुछ बच्चों के द्वारा पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल भी देखने को मिल रहा है, जहां स्टेशन पर लगी पुलिस लड़कों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पहुंचती है। वैसे ही लड़के फिर वहां से चले जाते हैं। आप देख सकते हैं, कुछ दूरी पर लड़के पुलिस के हटने का कर रहे हैं इंतजार। लड़कों का कहना था, हमें पुरानी भर्ती योजना चाहिए। मेरे घर वालों ने जेवर गिरवी रखकर मुझे तैयारी कराई, उसके बाद मेरा टेस्ट रोक दिया गया। प्रदीप कुमार की खास रिपोर्ट। कहाँ के पेपर? आप बताओ, दो साल तैयारी करी, एकदम कैंसिल कर दो। मेरे कहाँ के रहने वाले बेटा? अरे एक मिनट, बशार है। क्या समस्या? पंकज यादव यही रहता है। तो परेशान हो, सुनो तो मेरी बात। केंद्र कर दिया, मेरे कुछ नहीं, गठर हो गया। दो साल वहाँ के गहने भी धरे, क्या करे, मर जाए, हॉस्पिटल लगा ले। कोई विरोध नहीं, हम कोई टोला पूरी नहीं करें, अपनों आराम से बैठ रहे, अपनों कोई साफ अगर एक मिस्टेक आपको मिल जाए तो आप कहना, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई तरीका नहीं, रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन जगह नहीं करें आपको पूरी, कुछ नहीं करना है। आज आप जो है अछलदा स्टेशन पे आए हैं, किस तरीके से, क्या आपको ऐसी जानकारी मिल रही थी? देखिए, अभी प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो सेना की भर्ती स्कीम है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग, हमारे सीओ साहब, एसडीएम मैडम और पूरी टीम लगातार सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज कुछ सूचना मिली थी कि अछलदा स्टेशन पर कुछ उपद्रवी तत्व आ करके ट्रेन रोकने का प्रयास कर सकते हैं। उनको हमने ट्रैक कर लिया है और दो लोग को, ऐसे लोग को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इसमें तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।